एक और अनुभव। पैसों में बड़ी ताकत होती है। 80-85 साल की एक वृद्ध महिला जो है आसपास के लोगों से दो वक्त की रोटी मांग के अपना पेट भरा करती थी। उसके पास में अपना स्वयं का घर था। वृद्धावस्था होने के कारण कुछ भी याद नहीं था उसे, बस आसपास से रोटी लेके खा लिया करती थी, अपना पेट भर लिया करती थी। दूर दूर तक उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। एक दिन जो मैं उसके घर के सामने से निकली और वो वृद्ध महिला रोटी लेने के लिए बाहर आई और रोड पे आते ही जो है गायों का झुंड आया और उसको गिराते हुए आगे निकल गया। वृद्ध महिला नीचे गिरी। आजू बाजू खड़े थे लोग, उसको देख के हंस रहे थे, उसके गिरते ही हंसने लगे जोर जोर से। मैं देख रही थी, एक बंदे ने उसको उठाया भी नहीं। मेरे हाथ में जो भी सामान था मैंने नीचे रखा और दौड़ के उस वृद्ध महिला को उठाया, उसकी मिट्टी वगैरह साफ करी, साइड में बिठाया और उसको पूछा था कि इस उम्र में वो बाहर क्यों निकलती है। उसने बताया कि मैं जो है पास वाले घर से दो वक्त की रोटी लेके आती हूँ और रोटी लेने के लिए मेरे को रोज जाना पड़ता है। मैंने उसको बोला कि दो वक्त की रोटी अगर मैं आपको यहाँ पकड़ा दी हूँ तो क्या आप बाहर नहीं निकलोगे? उसने कहा कि नहीं। मैं फिर उसके रोज़ सुबह और शाम का टिफिन बना के उसके घर पे रखने लगी और जो भी मुझसे होता उसकी सहायता करने लगी थी। अब दिन ब दिन उसका मेरा संबंध थोड़ा गहरा होता चला गया। दिन बीते ही थे कि वृद्ध महिला जो है बीमार पड़ गई और अचानक जो है मैंने उससे पूछा कि दाई साहब, आपका कोई रिश्तेदार हो तो मुझे बता दो, मैं उसको फ़ोन कर देती हूँ तो वो आपको लेके चले जाएंगे। तो उसने बोला कि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है और एक मेरा पुता है, उसके नंबर पड़े। उसने मेरे को चाबी दी बक्से की, मैंने ताला खोला, उसमें कुछ कागज़ वगैरह थे, कुछ प्रॉपर्टी के, कुछ बैंक बैलेंस, कुछ FD वगैरह उसकी पड़ी थी और उसमें एक डायरी में फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। मैंने फ़ोन किया तो वो लड़का जो है अपना नाम करतार सिंह बता रहा था और पंजाब से बोल रहा था। मैंने उसे बोला कि आपकी जो दादी जी है वो बीमार चल रही है, आप इसको लेके जाइएगा, इनको सेवा की ज़रूरत है। उसने मेरे को ये कह के टाल दिया कि मैं इनको नहीं जानता और इनका और हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, मेरी बला से मरो। फिर मैंने कहा कि अब इसको कहाँ भेजूं। दोबारा मैंने करतार सिंह को फ़ोन लगाया और मैंने इस बार अपना दिमाग लगाते हुए कहा, मैंने कहा जी करतार सिंह जी, आपकी दादी बड़ी बुजुर्ग है और इसका कोई भी नहीं है आगे पीछे और इसके पास में काफ़ी प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस के कागज़ वगैरह अटैचिंग पड़े, अगर आप इसको ले जाओ, इसकी सेवा करो तो वो आपके नाम हो जाएगी। करतार सिंह राजी हो गया, उसको लेने आया, सारी प्रॉपर्टी वगैरह अपने नाम लिखा दी और जाते समय जो है अपनी दादी को साथ लेके गया था, लेकिन रास्ते में स्वर्ण मंदिर पड़ता है, उस स्वर्ण मंदिर में उस बूढ़ी औरत को छोड़ दिया और स्वयं जो है अपने गांव चला गया। फिर वहीं पे उस बुजुर्ग महिला ने जो है लोगों के द्वारा दिए गए भोजन को खा के अपनी जीविका चलाते हुए दम तोड़ दिया और लावारिस घोषित करके वहाँ के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस अनुभव ने मेरे को ये बताया कि जब मैंने उसको एक बार कहा था कि आप ले जाओ तो वो राजी नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसको प्रॉपर्टी के बारे में और पैसों के बारे में बताया तो वो तुरंत राजी हो गया। मुझे